दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि क्या हम लोग सचमुच में टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे, कहाँ है वो टाइम ट्रैवल वाली मशीन जिसके थ्रू हम लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टीफन हॉकिंग के उस टाइम ट्रैवल वाली मशीन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका पास्ट में तो पता नहीं पर हम लोग फ्यूचर में 100% जा सकते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है साइंस सिटी, जहां मैं साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों टाइम ट्रैवल मतलब कि टाइम में ट्रैवल करना, जैसे कि प्रेजेंट से फ्यूचर में चले जाना, प्रेजेंट से पास्ट में चले जाना, तो वो एक टाइम ट्रैवल हो गया। जैसे कि आज से हम लोग 100 साल आगे चले गए तो वो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल हो गया, 1000 साल पीछे चले गए तो वो पास्ट में टाइम ट्रैवल हो गया। तो दोस्तों जब हम लोग टाइम ट्रैवल की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है उस साइंटिस्ट का जो कि बहुत बड़े फिजिसिस्ट हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोस्तों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है क्या चीज। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइट से, यानी कि रोशनी से। आप लोगों को पता होगा कि जब कोई भी चीज रफ्तार में होती है, ट्रैवल कर रही होती है कोई चीज, तो उसमें एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट लग रही होती है। वैसे ही लाइट में भी एक, लाइट की भी एक स्पीड होती है। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लाइट की अप्रोक्सीमेटली स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ दोस्तों, लाइट की एक स्पीड होती है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी व्हीकल नहीं है, यहाँ तक कि कोई भी ऐसा स्पेसशिप नहीं है जो कि लाइट की स्पीड के आसपास भी जा सके। तो दोस्तों थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का यहाँ पे ये कहना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु या कोई भी व्हीकल अगर लाइट की स्पीड के आसपास भी चला जाता है ना, तो वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, मतलब कि उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। तो अगर हम लोगों को टाइम ट्रैवल करना है तो हम लोगों को कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी, कोई ऐसा व्हीकल ढूंढना होगा या बनाना होगा कि जो कि लाइट की स्पीड के आसपास जा सके। अब आप लोग कहोगे कैसे, आखिर ऐसे कैसे टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, उसे अपने कान और आँख दोनों खोल कर सुनना, तभी समझ में आएगा। इमेजिन करो कि एक रेलवे ट्रैक जो कि पूरी धरती के चारों तरफ पूरे सर्कमफ्रेंस पर बिछाया गया है, इस ट्रैक पर एक सुपर फास्ट ट्रेन चलेगी। मैं यहाँ किसी मेट्रो ट्रेन या किसी लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ट्रेन बहुत 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 ही ज़्यादा तेज होगी। आज हम लोग एक ऐसी ट्रेन को इमेजिन करेंगे कि जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड जितनी होगी, यानी कि 300,000 किलोमीटर के आसपास। और अब देखते हैं कि ये ट्रेन कैसे एक टाइम मशीन बन जाएगी। तो दोस्तों इमेजिन करिए ट्रेन में पैसेंजर्स हैं जिनके पास फ्यूचर में जाने के लिए एक तरफा टिकट्स हैं। इस ट्रेन की रफ्तार बढ़नी शुरू हो जाती है और बढ़ती ही जाती है, और जल्द ही ये ट्रेन धरती के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है। रोशनी की रफ्तार तक पहुंचने के लिए इस ट्रेन को धरती के चक्कर और भी ज़्यादा तेज़ी से लगाने होंगे, यानी कि एक सेकंड में इस पूरी की पूरी धरती के 7 चक्कर। जी हाँ दोस्तों, एक सेकंड में इस पूरी की पूरी धरती के 7 चक्कर लगाने होंगे। लेकिन ट्रेन के पास चाहे कितनी ही पावर क्यों ना हो, वो लाइट की स्पीड से कभी ट्रैवल नहीं कर पाएगी, बट उस स्पीड के आसपास ज़रूर पहुँच सकती है। तो मान लो ट्रेन रोशनी की रफ्तार के आसपास पहुंच गई, तो दोस्तों अब जो होगा ना, वो ले जाएगा ट्रेन में बैठे उन पैसेंजर्स को फ्यूचर में, यानी कि भविष्य में, और पूरी दुनिया के मुकाबले ट्रेन के अंदर का टाइम स्लो हो जाएगा, बेहद स्लो, जैसा किसी ब्लैक होल के पास होता है। ट्रेन के अंदर सब कुछ स्लो हो जाएगा, लोगों के दिलों की धड़कन, उनका सांस लेना, ग्रेविटी, घड़ी, टाइम और सब कुछ स्लो हो जाएगा। अब सवाल यह आता है कि आखिर ये सब ट्रेन के अंदर स्लो हो कैसे गया। गाइज इमेजिन करो उस ट्रेन में बैठी एक लड़की, एक बच्ची, जो कि ट्रेन की रफ्तार की डायरेक्शन में भागने लगती है, फिर तो उसकी रफ्तार रोशनी की भी रफ्तार से ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन नेचुरल्स लॉ कभी खुद के साथ समझौता नहीं करते, किसी भी चीज़ या इंसान की स्पीड लाइट की स्पीड से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती, चाहे वो कितना ही जोर क्यों ना लगा ले। फिजिक्स के इसी लॉ कंजर्वेशन के लिए ट्रेन के अंदर का टाइम स्लो हो जाएगा, यानी जो बच्ची ट्रेन के अंदर भाग रही थी उसकी रफ्तार लाइट की रफ्तार से ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगी,
चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, क्योंकि ट्रेन के अंदर का टाइम स्लो हो गया है और उसी वजह से उसकी स्पीड और सब कुछ भी स्लो हो गया है। और तब यहीं से पॉसिबिलिटी निकल कर आती है फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की। मान लो ये खुराफाती ट्रेन 1 जनवरी 2018 को चली और धरती के चक्कर लगाती रही पूरे 100 सालों तक, और ये रुकती है 1 जनवरी 2118, यानी कि पूरे 100 सालों बाद। ट्रेन के बाहर 100 साल बीत चुके होंगे, लेकिन ट्रेन के अंदर का समय सिर्फ इतना गुजरा होगा कि पैसेंजर्स की उम्र सिर्फ 1 हफ्ता ज़्यादा होगी। वो सभी लोग जिन्हें वो जानते थे ट्रेन में बैठने से पहले, वो सभी प्रोबेबली मर चुके होंगे जब वो ट्रेन से उतरेंगे, क्योंकि ट्रेन के बाहर 100 साल बीत चुके होंगे और ट्रेन के अंदर सिर्फ 1 हफ्ता। ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को लगेगा कि उन्हें सफ़र करते हुए सिर्फ 7 दिन ही हुए हैं, उनकी उम्र भी सिर्फ 7 दिन ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका दिमाग, उनकी सोचने की शक्ति, उनके एटॉमिक चेंजेस उतने ही स्लो हो जाएंगे और वो सभी पहुँच जाएंगे भविष्य में, यानी कि 100 साल आगे। ट्रेन के अंदर जब वो बैठे हुए होंगे उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगेगा, जैसा अभी हमें बैठे हुए टाइम महसूस हो रहा है वैसा उन्हें भी महसूस होगा, लेकिन बाहर बीत जाएंगे 100 साल और ट्रेन के अंदर सिर्फ 7 दिन। क्या आप लोग भी भविष्य के ऐसे एक तरफा सफर पर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट नोटिफिकेशन दे पाऊँ। तो बस यार चलो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।